जी स्टूडेंट्स, इसकी अब एटमॉस्फेयर की जो सेकंड लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक। और ये आप लोग यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। अगर ट्रोपोस्फेयर 0 to 12 किलोमीटर थी तो इसका मतलब है स्ट्रेटोस्फेयर फिर ऊपर 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर जो है एटमॉस्फेयर का उसको कवर कर रही है, ठीक है। और अब यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस आप लोगों ने देखना है। ट्रोपोस्फेयर में 17 degrees to -55 degrees था, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था हाइट इंक्रीज़ करने पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर -55 to -5 degrees centigrade टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर हाइट इंक्रीज़ करने के साथ ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में इस टेम्परेचर डिफरेंस की क्या रीज़न है, वो है प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ओजोन लेयर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओजोन लेयर क्या हमारे ट्रोपोस्फेयर को प्रोटेक्ट कर रही है अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक। इस ओजोन की प्रेजेंस की वजह से जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर है वो क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, यानी कि -55 से वो आगे -5 तक रहता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे ओजोन के यूज़ेस आ जाएंगे कि इसके क्या क्या ओजोन के फ़ायदे हैं। ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, ठीक है। और फर्दर क्या करती है, व्हेन ओजोन एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सन द एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट वार्मिंग द एयर। ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ था ये इस वजह से होता है कि ओजोन एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करती है सन से और उसको कन्वर्ट करती है हीट में, जिसकी वजह से एयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और फर्दर ओजोन लेयर हम लिविंग थिंग्स को प्रोटेक्ट करती है डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, और टेम्परेचर रेंज इन्होंने आपको यहाँ पे भी बताई हुई है। उसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब है स्प्रेड आउट, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर मौजूद है जो कि 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखें वाटर वेपर्स की कंसनट्रेशन कम है, और ओजोन सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, विच इज़ 10 parts per million। तो ये आपकी सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर थी। ये पढ़िएगा, देखिएगा, नहीं समझ आता तो यू कैन आस्क।